Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं wait. जिम सिमुलेटर. आज भी बॉडी नहीं बनी है भाई दवे. तो जैसे कि आप लोग को याद होगा कि इस गेम में मैंने अपना खुद का एक जिम खोला है, टेक्नो जिम, और इस जिम से मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और अमीर बनना है. तो आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने एक खंडर सी जगह खरीदी थी जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा कचरा था, शीशों पे अखबार लगे हुए थे, बहुत गंदगी थी. तो मैंने अच्छे से एरिया को साफ करा, बहुत सारी मशीन खरीदी वर्कआउट करने के लिए, एक टॉयलेट बनाया लेडीज अलग मेंस अलग, और तो एक पूरा छोटा सा बार भी बना दिया जहाँ पे से लोग अपना प्रोटीन वगैरह खरीद के खा पी सकते हैं. तो भी अपना जिम पूरा लोग यहाँ पर आ रहे हैं वर्कआउट करने के, मुझे पैसे दे रहे हैं. तो जैसे जैसे मैं अपना जिम बड़ा करते रहूंगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा मैं पैसा कमा पाऊंगा. टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं जिम ओपन करने. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू जिम सिमुलेटर. मस्त सुबह हो रही है, मैं सोकर उठ चुका हूँ. और आप लोग को लग रहा होगा यार क्या अमीर बंदा है, कितनी ज्यादा बढ़िया सिटी में रहता है, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस एरिया में तुम्हें मैं अपना घर दिखाऊंगा ना भाई, डर जाओगे. यहाँ पे गली में कुत्ते वुत्ते क्यों बैठे हुए? हेलो, क्या सीन है तुम्हारा? अच्छा, मैं किसी भी डॉग को अडॉप्ट कर सकता हूँ, ये स्ट्रीट डॉग्स है. देखो भाई, बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी है वैसे. आई डोंट नो ये कौन सा वाला ब्रीड है, तुम मुझे कमेंट्स में बताना. फिलहाल इधर एक जर्मन शेफर्ड है, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं भाई. अपने एक टाइप से सिक्योरिटी गार्ड भी हो जाएगा भाई. इसका नाम रखेंगे हम लोग जैकी. जैकी नाम रख देते भाई, एकदम प्यारा सा नेम है. चलो भाई, हमने अपना एक डॉग अडॉप्ट कर लिया गेम में आज सुबह सुबह आते. बस ऐसा ना हो कि यार कुत्ता मेरे लिए बहुत ज्यादा खर्चे करवाए. देखा, अगर तू मेरा डॉग है तो तुझे मेरे पास थोड़ा सिक्योरिटी गार्ड वाला काम तो करना पड़ेगा. जर्मन शेफर्ड आजकल इसीलिए लेते हैं बंदे. क्या बातें करो. खैर छोड़ो, मैं आपको अपना घर दिखाने लाया था. देखो भाई, ये है मेरा घर, ये छोटू सा. मेरा डॉग भी अंदर नहीं, ये देखो वो तक अंदर नहीं आया भाई. वो भी कह रहा है भाई कहां जाऊं इसमें मैं. यहां पर एक छोटा सा मैंने अपना गेमिंग सेटअप लगा रखा है, जिसमें सेटअप के नाम पे बस एक टेबल चेयर और देखो बेड है भाई. सच में ये तो बिल्कुल जेल जैसा है यार. ये घर नहीं है भाई, ये ऐसी सोने के लिए ले लिया है. बाकी यार जाके इसको हम लोग कमांड दे सकते हैं क्या? अच्छा, सिर्फ उठने बैठने का कमांड दे सकते हैं. जाता नहीं है तो तू बैठ जा या फिर उठ जा. और इसे हम प्यार कर सकते हैं भाई, इसके ऊपर हाथ रख के. प्यार है डॉग तो है भाई. नहीं भाई, इसको मैंने सिक्योरिटी के लिए नहीं लिया यार, अपना ऐसे थोड़ा साथी हो जाएगा ना, गेम में काफी अकेलापन फील हो रहा था. ठीक है, ज्यादा बातें बातें नहीं करनी है. सुबह 8 बजे जिम ओपन करने का टाइम होता है, सारे बंदे आके गालियां दे रहे होंगे. वो एक सेकंड नहीं, जिम ओपन ही है, क्योंकि आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम पता नहीं क्यों जिम का दरवाजा ही नहीं बंद हो रहा था. तो टेक्नो जिम ओपन ही था तो लोग अपना यहाँ पर आकर एक्सरसाइज वगैरह करने लग गए. बाकी ये जो ब्लू वाला बंदा है ये अपना एम्प्लॉई है, जो कि थोड़ा यहाँ पे साफ सफाई करते रहता भाई बहुत समय. अरे तू भाई जिम के अंदर अलाउड है क्या? देखो भाई कोई बात नहीं, तू बैठ यहाँ पर. टेंशन, अपना जिम है, कोई मना नहीं करेगा, जो मना करेगा काट उसको, टेंशन ही नहीं भाई. बाकी यहाँ पर भाई मस्त लाइन लगी हुई जिम में, बंदे आजकल भर भर के आ रहे, देखते हैं किसको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है. तो ये है मोनिका स्मिथ, इसको चाहिए स्टैंडर्ड, तो लेना भाई. चलो आज मैं भर के कमाने वाला हूँ. और जिम के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे कुछ नई मशीन लानी है. वो भाई एक और लड़के, इसका नाम भी मोनिका. ला भाई तू वीआईपी वाला सब्सक्रिप्शन ले ले, ये थोड़ी अमीर मोनिका. हाँ भाई नेक्स्ट, तेरा नाम तो मोनिका नहीं है ना भाई. हाँ, इसका नाम है जॉडी. ले भाई जॉडी, जल्दी जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है मेरे पास, आज बहुत काम करना है सचमुच में. अमेलिया स्मिथ स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन, ये लो भाई. अरे भौंक रहा है अपना डॉगी, भौंक भी रहा है भाई, बंदे परेशान होंगे, ऐसे मत कर. ओके चलो, तो आज जितने भी बंदे आए थे सबको मैंने बहुत सारा मतलब सब्सक्रिप्शन आज भेज दिया, काफी सारे न्यू मेंबर्स आए हैं. बाकी ये देखो, ये लोग जो जिम करते हैं और वैसे होती नहीं, ऐसे फेंक के चले जाते हैं, तो इस सबको भी हमें ठीक करना पड़ता है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, तभी यहाँ पर थोड़े अमीर अमीर लोग आएंगे जिम करने. बाकी एक चीज का और ध्यान मुझे रखना होता है कि जो जो मशीन्स यूज होते जा रही है उसको मुझे ना उसके स्क्रूज टाइट करने होते हैं, मतलब उसे रिपेयर करना होता है. और मैं भूल चुका हूँ रिपेयर करना, थोड़ा सा देख लेता हूँ याद है. हाँ, अरे एक्सरसाइज कर ले तू पहले, मैं रिपेयर करने आया था. चलो कोई नहीं, वाली कर देते हैं, इसको टाइट कर देता हूँ. सारी मशीन भाई सुबह सुबह एक बार टाइट कर देनी चाहिए. हम लोग ऐसे काफी सस्ती क्वालिटी की सेकंड हैंड खरीद के लाया ना, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है भाई, हर थोड़ी देर में मुझे रिपेयर करते रहनी पड़ती है. चलो इसको भी रिपेयर कर देते हैं. अरे बस भाई बस, एक सेट बहुत है आज के लिए, रख दे इसको. अरे 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 वाह, दो लोग नए और आ चुके हैं यार. सच में जिम में कमी है यार. अभी पहले इसको रिपेयर करता हूँ और फिर इसे उठा के भी मुझे रखना है. हाँ, तो गाइस मैं ये कह रहा था कि जिम में ना काफी कमी है यार अभी चीजों की. और ये देखो भाई, यहाँ पर हमने एक विटामिन बार अलग खुला हुआ है, जिसके लिए मुझे सामान भी लेकर आना है. तो दो लोग को यहाँ पर ऑर्डर चाहिए. क्या क्या चाहिए भाई तुम दोनों को? टोस्ट चाहिए ना बस. भाई मैंने सच में काम तो बहुत ज्यादा खोल लिया और मैं कर नहीं पा रहा हूँ. इसको पहले वापस रखो. अरे वापस कैसे? हाँ ये लो सर, आप ऐसे डायरेक्ट पकड़ो. प्लेट प्लेट में नहीं देते हम लोग, ऐसे ना ऐसे बना के हाथ में पकड़ा देते हैं. यहाँ पे इधर मैं एक नई मशीन लगा सकता हूँ जो कि 600 में आएगी. अब मैं एक बार में 2 टोस्ट कर पाऊंगा. ये बहुत अच्छा बाय था भाई. नेक्स्ट कस्टमर, वेरी गुड. ये लो, इधर एक ये निकाला, इसमें रख दिया. अब ये दोनों टोस्ट होकर पड़े रहेगी, जैसे कोई न्यू बंदा आएगा उसको पिला देंगे. बाकी हाँ, मुझे एक चीज और करनी यार, कितना काम हो चुका है भाई, मुझे एक नया बंदा चाहिए होगा जिम में. वीआईपी सब्सक्रिप्शन भाई, अभी आजकल बंदे आने लग गए, जिम फेमस हो गया, सीधा आके बंदे वीआईपी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं. स्टैंडर्ड ले लो भाई, अभी लो वाला नहीं बिक रहा, या तो स्टैंडर्ड या वीआईपी. हाँ जी, आपको क्या चाहिए? इसको भी वीआईपी भाई,
गलत सीन होगा भाई, अमीर तो हम लोग बहुत तगड़े होने वाले हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन, अरे इतने लोग मत आओ भाई, जिम में नहीं है हमारे पास जगह। अभी तो मुझे लग रहा है बंदों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो लोग वीआईपी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसको रखेंगे बस। क्या मैं रेट बढ़ा सकता हूं क्या सब्सक्रिप्शन की? खैर वो सब छोड़ो, मैं पता क्या सोच रहा हूं कि क्यों ना एक स्टाफ को हायर कर लिया जाए, एक नए बंदे को। भाई वैसे ये जो बंदा बहुत महंगा था, इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। ये एक सस्ता बंदा है, क्लीनर का काम कर। ओए नहीं, इन दोनों के काम अलग है। ये क्लीनर है, ये मैकेनिक है। भाई एक मैकेनिक हायर कर लेते हैं यार। चलो गाइस, अभी वैसे मेरी ज्यादा सैलरी तो नहीं है, मैं जितना भी कमा रहा हूँ सारा अपने एम्प्लॉयज को ही दे दे रहा हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा अभी के लिए। खैर ये ले तू टोस्ट खा, और तेरे को शेक पीना है तू ये ले शेक पी। मुझे भी एक काम करना है, मार्केट से थोड़ा सामान लेकर आना है। बाय द वे जो मैकेनिक हमने हायर करा था वो आ चुका है। अब से ना मुझे मशीन को ऐसे ठीक करने का टेंशन नहीं है। डंबल नंबल खराब हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक करेगा, ऊपर रखेगा, सारा काम ये करेगा भाई। बाकी अभी एक काम मुझे करना है, वो तुम लोग को मैं बाद में, यार तुम आ जाओ, पहले तुम आ जाओ। हाँ जी भाई बताओ, कौन सा चाहिए? स्टैंडर्ड चाहिए, लो जल्दी हटो। मुझे अभी नई मशीन्स खरीदनी है भाई, अभी आजकल ना मेरे को ऐसा लग रहा है पैसा इकट्ठा हो रहा है, हम लोग मशीन्स पे नहीं लगा रहे हैं भाई, इसे लो क्लास चाहिए। अरे यार रुक जाओ भाई। चलो गाइस तो अभी हम लोग चलते हैं शॉप पे, और यहाँ पर कोई ढंग की मशीन नहीं आ रही भाई, मेरे पास अभी बजट है। ओ नहीं नहीं बजट है तो ठीक है भाई, अभी पहले सिर्फ सेकंड हैंड माल आता था जो कि 600 GM में आता था, और ये देखो ये सारी नई मशीन्स हैं। डंबल स्टैंड मशीन, स्टेशनरी बाइसिकल जो कि 100% ड्यूरेबिलिटी वाली है। अच्छा बेसिकली सेम मशीन है, बस स्टार्स पे मैटर है, 2 स्टार वाली है। तो मेरे पास अभी पैसा अच्छा खासा है, मैं एक काम करता हूँ सारी ही खरीदना चालू कर देता हूँ। एक ये वाली मशीन बहुत अच्छी है भाई, इसमें बहुत एक्सरसाइज हो जाएगी। ये लेते हैं, और एक ये रेड वाला ले लेते हैं, एक ये अच्छी क्वालिटी भाई Tier 3 की मशीन लेते हैं ना सीधा। पैसे हैं तो खर्चो ना भाई जिम में। चलो मैंने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया मशीन खरीद लिया, मुझे अभी और चीजों की जरूरत नहीं है। बाकी जो पैसा, अरे वाह न्यू कस्टमर ये लो। हाँ तो मैं कह रहा था अभी मेरे पास जो बाकी पैसा, अरे भाई तुम पहले आ जाओ, इतनी भाई डिमांड बढ़ चुकी है, वीआईपी कस्टमर्स की लाइन लग गई है। हाँ जी आपको क्या चाहिए? वीआईपी? ओ नहीं स्टैंडर्ड, ठीक है कोई बात नहीं। चलो शॉप पे चलते हैं। लॉकर रूम के लिए मुझे क्या करना है ना अभी भाई, नहाने का देखो, एक ये लॉक्ड कैबिनेट चाहिए होगा मुझे, 2 ले लेते हैं, एक मेंस वाले एक वुमेन्स वॉशरूम के लिए। और शार अपने पास एक है, उसमें काम चल रहा है। बाकी डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आइटम है, बट मुझे एक लेने का मन कर रहा है कोई। भाई ऐसे ये सब ले लेते हैं ना, ये बहुत सस्ते भी हैं, 2-3 ले लेते हैं, थोड़ा सजा देंगे जिम को। टाइल्स अपने पास है बट अभी मेरा मन नहीं है भाई इतना भी ज्यादा चेंज वेंज करने का। एक ये वेंडिंग मशीन मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बट इसके लिए लेवल 7 होना चाहिए। ट्रैश कैन ले लेते हैं, लोग अपने आप ही तमीज में कूड़ा फेंकेंगे भाई खुद से। ट्रैश कैन लेने का फायदा यह है कि ना गंद कम मचेगा भाई जिम में। अरे 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 कस्टमर्स है क्या भाई? ये लो, अरे दे रहा था भाई, थोड़ा तो वेट करो। चलो हाँ मैं नई मशीन्स खरीद के लाया था, मुझे उसके लिए जगह बनानी है। तो देखो यार मैं चाहूँ तो ना इस बिल्डिंग का ऊपर वाला फ्लोर जो है ना वो भी सेल पे लगा हुआ है, मैं उसे खरीद सकता हूँ, बट वो थोड़ा महंगा है। देखो यहाँ पर एरिया है ना, नहीं महंगा, इसके लिए पहली बात तो लेवल 8 चाहिए, अभी अपना लेवल 5 है। तो ये जो बगल वाला एरिया है ये भी हम लोग खरीद लेंगे, टेंशन मतलब बेटा खरीदेंगे पूरा। अरे ये तो फुल एग्जॉस्ट होकर जा रहा है यार। चलो हाँ मैं सोच रहा था कि नई मशीन्स को यहीं कहीं पे कोने में ही टिकाते हैं भाई, बाकी अभी थोड़ा सा स्पेस मुझे बनाना पड़ेगा। यस तो अभी मुझे जाना है बिल्ड टूल पे, और जो मैं नई मशीन ये वाली लाया था इसको रखते हैं, एक रखेंगे यहाँ पे, इधर ही सारी साइड में लगानी पड़ेगी भाई, अभी ज्यादा सामान हो चुका है। एक ये वाली मशीन थी ये लगेगी यहाँ पे, और एक और मशीन है अपने पास ये वाली लगाएंगे हम लोग ट्रेडमिल है। तो ये डंबल वाला भी यहीं कहीं लगाए थे यार, डंबल भाई करेंगे बंदे इधर, ठीक है ये बड़ा सही सीन हो गया। गाइस ये वाली जो मशीन है ना इसमें काफी मल्टीपल एक्सरसाइज हो सकती है, और इसको ना मैं रोटेट करके लगाने वाला हूँ। इसका फ्रंट साइड एक्चुअली में ये वाला है, तो इसका शेप ऐसे रखते हैं, और इसका भी फ्रंट साइड ये वाला है, तो इसको मैं रख देता हूँ। इसको ऐसे साइड में करके रखते हैं ना, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा भी, या फिर ऐसे नहीं इसको रखते हैं हम लोग। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे करके रख दिया अपना। भाई साहब ये देखो भाई कौन सी आउटफिट पहनकर आई है लड़की एक्सरसाइज करने। चलो अभी 2 अपने पास मशीन्स और बची है, ट्रेडमिल वगैरह। अरे 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 भाई साहब लाइन लग चुकी है, 1 सेकंड आ रहा हूँ। वीआईपी जल्दी जल्दी आओ भाई, अभी जल्दी जल्दी सबको भाई अपने जिम में एंटर करवाना है। नेक्स्ट तू वीआईपी लो क्लास है क्या? इस तेरे को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्या मैं? चल छोड़, देखो वीआईपी बेचूंगा, लेना है ले वरना भाग जा। ओके ठीक है, नहीं भाई इसको नहीं दिया भाई, अभी वीआईपी वालों को लेंगे, बस लो क्लास नहीं भाई, स्टैंडर्ड लेना है तो चलेगा ठीक है ना, नहीं चाहिए तो भाग जाए। अभी अभी एटीट्यूड आ चुका है भाई, लो क्लास नहीं स्टैंडर्ड या वीआईपी बेचेंगे हम लोग सिर्फ। और अगर कहीं से इसके रेट बढ़ सकते हैं तो मैं वो भी बढ़ा दूं। वीआईपी सब्सक्रिप्शन, स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन। चलो भाई जितने नए बंदे आए थे सबको मैंने भर लिया है। बाकी हाँ यार एक प्रॉब्लम है, अपने पास एक टोस्ट लास्ट बचा है, ये वाला भी इसको दे देते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा इसके लिए सामान लेकर आना पड़ेगा यार, बेसिकली मुझे बहुत सारे टोस्ट खरीद के लाने, और तो कोई भी सीन नहीं है। तो स्टोर चलो जब जिम बंद हो जाता है उस टाइम पे चल लेंगे। फिलहाल अभी मैं इसको स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन दे देता हूँ। यार बहुत बंदे आ रहे हैं यार, सच में मैं परेशान हो गया हूँ इस भीड़ से। भर चुका है भाई जिम, भर चुका है, मैं किसी को हटाना है तो कैसे हटाऊंगा यार। लो क्लास नहीं भाई, लो क्लास नहीं, स्टैंडर्ड लेना है लो, वरना बाय बाय।
चलो बाय बाय, कोई बंदों की कमी नहीं है भाई जिम में। वैसे मैं सोच रहा था कि पुरानी मशीन हम लोग बेच सकते हैं क्या, जैसे ये ट्रेडमिल वगैरह ना बहुत घटिया सी, अगर मैं इसको ऐड कर लूं इन्वेंटरी में और अगर मैं फॉर एग्जांपल शॉप में जाऊं तो क्या मैं उसको बेच सकता हूं शॉप में जाके? या देखो मुझे लगता तो नहीं उसे सेल करने का ऑप्शन होगा। चलो कोई बात नहीं, सेल करने का ऑप्शन नहीं है तो मैं कोई बात नहीं, जो पुरानी नई वाली खरीद के लाया था वो फिलहाल यहाँ पे रखता हूँ। ये अपनी नई वाली मशीन है जो की बहुत ही ज्यादा सही क्वालिटी का, इसको एकदम इससे अटैच करके रख देते हैं। ठीक है, ये दो हो गई भाई। ये वाले एरिया तो काफी सही सॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे भाई बहुत सही तरीके से बंदे जिम शिम कर रहे हैं, इधर चल रहा है इधर चल रहा है। ट्रेडमिल मुझे एक और लगा देनी चाहिए जब तक, मतलब बंदों के लिए तो शॉर्ट रहेगा ना, यहीं पे लगा देते हैं पीछे। और एक जो नई वाली साइकिल ली थी इसको भी यहाँ पे लगा देते, तो पांचों मशीन यहाँ पर जो कार्डियो वाली है वो इधर लगा दी मैंने। बाकी शेक 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 शेक, दो सेकंड बेच रहा हूँ मैं। ये लो पी ले भाई, कमाई तो है भाई, जिम में अच्छी खासी कमाई तो हो रही है। चलो अब बारी है इसको, ना 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 भाई लो क्लास नहीं, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है भाई लो क्लास। वैसे ले लेना चाहिए यार, ओवरऑल तो फायदा ही हो रहा है ना, जिम में भी अच्छी खासी मशीन है, वो एक्सरसाइज कर लेगा बंदा आगे। खाली पी ली मैं, रिजेक्ट कर रहा हूँ। चल भाई स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन ले ले, पैसा तो अपने पास काफी सारा इकट्ठा हो चुका है। एक बारी बस छोटी सी चीज, हमारा लेवल 8 हो जाए ना तो भाई सच में मजा आ जाएगा। बाकी ये अंदर वाला रूम है जहाँ के लिए मैंने ना एक लॉकर रूम खरीदा था, उसे मुझे लगा देना चाहिए। तो बिल्ड टूल में जाकर ये रहा लॉकर रूम, दो खरीदे थे मैंने यार, इतने छोटे से हैं कहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाऊं। इसको भी फिलहाल एक ही है तो यहाँ पे लगाते हैं, बाद में इसके लिए मैं कोई अच्छी पोजीशन ढूंढ लूंगा। और एक सेकंड, इसे हटाना पड़ेगा। लोकर रूम लगाने के लिए मुझे इसका डायरेक्शन सही रखना है ना। चलो ये लग गया एक लोकर रूम, सेम टू सेम ऐसी लेडीज वॉशरूम में जाके भी कहीं पे लगा देते हैं। ये हो जाएगा अपना दूसरा लोकर रूम। ठीक है भाई, जिसको अपना सामान वामान रखना होगा भाई एक ही अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे रखो। बाकी अपने पास ना एक ट्रैश कैन है, ये रहा ट्रैश कैन, में जिम के बाहर तो नहीं रख सकता। ठीक है, अपने काउंटर के बगल में लगा देते हैं भाई, इधर ही कूड़ा उड़ा भी फेंक दिया करो। बाकी एक और न्यू चीज जो मुझे करनी है वो है कि मैं काफी सारे आइटम लाया था डेकोरेशन के लिए, तो इसे भी कहीं ना कहीं लगाते हैं यार, अच्छा लगेगा। एक मुझे लगाना है यहाँ पे, ये वॉल सबसे ज्यादा है, उल्टा कैसे लग गए? अरे भाई ये तो हट भी नहीं रहा। हाँ ट्रा। ओ भाई इसको रोटेट करने का क्या मतलब भाई, इसे टेढ़ा करके लगाना ही क्यों है? हाँ ये सही है, सेम है। ये दूसरा है अपने पास, इसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं भाई। ये बात ठीक है भाई, अभी थोड़ी बातचीत आ रही है जिम विम वाली। खैर ठीक है, अभी जिम के क्लोज होने का टाइम हो गया, सारे बंदे अपना जा आ रहे हैं भाई। इसको खैर कुछ पीना था भाई इसकी तो। ओ भाई सो ट्रांसफॉर्मर हो रहा भाई, बहुत तगड़ी बॉडी है इसकी तो। खैर ठीक है, जिम का दरवाजा कहां है भाई? हाँ 7 AM to 9 PM के बीच में बंद नहीं कर सकता मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आके जिम कर दूंगा, फिलहाल जब तक मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से ना एक शॉपिंग कर आ जाता हूँ। अपना जो विटामिन बार है उसमें जितना भी सामान खत्म हुआ मैं लगे हाथ यहाँ से ले सकता। वाटर बॉटल मुझे थोड़ी बहुत बाय करनी है, और मुझे ये प्रोटीन का पैकेट ये थोड़ा बहुत बाय करना है, ये ले लेते हैं यार, काम तो बिकना ही है सारा। ये प्रोटीन शॉट सब कुछ बाय कर लेंगे भाई। पता नहीं भाई मैं क्या क्या खरीद के ले जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं, बट हाँ ये है कि काम आएगा। ये सब क्या है भाई? मसल प्रोटीन बार, इसको अपने इसमें ले जाके रख सकता हूँ मैं कहीं। क्या ठीक है, वो ज्यादा भी नहीं खरीदना यार, मुझे पता भी नहीं है बिकेगा नहीं बिकेगा, बट जो भी बगल में ही स्टोर है कभी भी जाकर ला सकता हूँ अगर चीज की जरूरत पड़ी तो, ज्यादा दूर नहीं है जो। अरे मैं मेन तो चीज लेकर ही नहीं आया, मुझे ब्रेड खरीद के लानी थी। हाँ स्टोर ये रहा भाई, यहाँ से मुझे ब्रेड खरीदना है यार। डॉग फूड, अरे तो डॉग फूड है, अपने डॉग के लिए काम आएगा, ये ले लेते हैं। कॉफी है, ये भी कॉफी है, कोकोनट ड्रिंक, ब्रेड। अच्छा ये रहा भाई ब्रेड, ये तो भाई सारा बेच दो, मुझे सारा चाहिए, इसकी भाई डिमांड बहुत ज्यादा है भाई जिम में। चलो सब कुछ मैंने खरीद लिया है, अभी हम लोग अपने डॉग को लेकर चलते हैं सीधा सोने, कल आके सारा सामान रिफिल कर देंगे। चलो 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 बेटा उठो, मैं इसे कुछ खिला कैसे सकता हूँ? उठ तो भाई हो गया बड़े प्यार से, इसको अगर मुझे कुछ खिलाना है। अरे क्या बस प्यार कर सकते, क्या मैं उसके लिए डॉग फूड लेकर आया हूँ, क्या मैं तेरे को खिला सकता हूँ? देख भाई इसमें गेम में ऑप्शन नहीं आ रहा, तू चुपचाप घर चल। वैसे यहाँ पर एक बॉक्सिंग क्लब भी है जिसमें हम लोग लेवल 7 के होने के बाद जा पाएंगे, अभी लेवल 5 है, होपफुली जल्दी लेवल 7 भी हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे बॉक्सिंग क्लब में, पता नहीं क्या करने, मार खाने जाएंगे, वहाँ पे भी थोड़ा अपना सब्सक्रिप्शन बेचने जाएंगे, जिम का पता नहीं। ठीक है घर पे आ चुका है, जल्दी से सोते हैं अभी। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है भाई, बहुत जल्दी इस गेम में हम लोग सो के उठ जाते हैं। और यार अपना जाकी, चलो बेटा आओ अभी चलते हैं जल्दी से जिम ओपन करने, कल जितना भी सामान खरीदा था मुझे फटाफट से जिम में ला के रखना है, और आज भी बहुत सारे लोगों को सब्सक्रिप्शन बेचना है भाई जिम में बंदे। अबे यार तुम खुद जिम खोल लेते हो क्या? मैं कल रात में बंद नहीं करके गया डोर, पता नहीं उससे क्या नुकसान होगा, बट हाँ डोर बंद कर देना चाहिए। वैसे अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे भाई वो अभी तक नहीं आए हैं, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, जिम बहुत गंदा है, यहाँ पर चीजें गिरी फिरी पड़ी है, और मुझे ये काम खुद करना पड़ेगा। बेटा सैलरी काटूंगा अगर देर से आए लोग, काश इस गेम में ऑप्शन होता यार, अगर देर से आ रहे तो सैलरी वैलरी भी काटो उनकी। हाँ यार मतलब खुद ही करने पड़ रहा है मुझे तो काम, सुबह सुबह मॉर्निंग में आती पहला काम ये होना चाहिए। देखो मैं खुद ही साफ कर दे रहा हूँ, बट मैं अगली बार से नहीं करूँ। हाँ जी भाई आपको सुबह सुबह आना जिम में, VIP सब्सक्रिप्शन, वाह आ जा बेटा। चलो तो कुछ नए लोगों को मैंने ऐड कर लिया, अभी मुझे अपना विटामिन बार पूरा फिल करना है। तू एक जगह बैठ जाना, पीछे पीछे आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से भर देते हैं, फिल 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 फिल। अभी एक काम करता हूँ, फिल तो हो ही गया, लगे हाथ इसे बेक पे भी लगा देता हूँ, दो अपना बने रहेगी तो सही रहेगा। और यहाँ पे रख देता हूँ एक्स्ट्रा, इसे बंद कर देते हैं। चलो एवरीथिंग सॉर्टेड। ओहो लेट आए भाई साहब जी, दोनों आ तो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, अपना काम हम करते रहेंगे। ये अपना मैकेनिक है, सारी चीजें अच्छे से उठा उठा के रखेगा, पेचकस लेके घूमता भाई, सब टाइट वाइट करके ठीक।
कर देता है, ग्रीन हो गया। देखो जिस चीज पे ऐसे कंडीशन आती है उसकी, जैसे ये थोड़ा भी लाइट ग्रीन है, थोड़ा सा ऑरेंजिश होता जा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत ही लूज है। तो अभी सफाई करते, आई मीन सफाई नहीं, हम लोग नए लोगों को लेते, सफाई तो करने का इनका काम है। ओके ओके ओके, विटामिन बार पे कोई तो आया जिसको शेक पीना है, ले भाई पी से आराम से। आपको ये चाहिए ब्रेड, फुल रेडी है भाई, अभी तुम्हें किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। भाई कितना शॉर्ट सीन कर दिया भाई मैंने। ओए ओए ओए, एक सेकंड, नहीं जरा डंडा खाएगा तू है ना मैकेनिक। ये देखो ये यहाँ पे गिरा पड़ा है भाई साहब जी। हाँ इसको दिख गया ना, मैं देख रहा हूँ वो भाई साहब, इसकी तो सही बॉडी है, अलग ही चेस्ट वेस्ट निकाल रखे इसने, तो सही वेट मार रहा है वैसे, पता नहीं कितना, बट अच्छी खासी प्लेट्स तो लगा रखे इसने। सही कर रहा, सही कर रहा, बहुत सही। करते 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 एक सेट और करना पड़ेगा। सही कर रहा है बंदा, करते 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 बढ़िया बढ़िया, एक और कर देगा भाई। ये तो ज्यादा मार रहा है, ऐसे 12-15 मारने चाहिए, तो खींचे पड़ा बहुत देर से, एक्टिंग कर रहा है मेरे को लग रहा है लोगों को दिखाने के लिए। यार चलो ठीक है, अभी मेरे को अपने जिम में अगर किसी चीज को लेके काम करना है तो वो ये है कि मुझे बहुत सारी मशीन्स लाके लगानी है। भाई ये बंदा सच में आज भाई आर्नोल्ड बन के जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, सारी मशीन आज ही मार देगा भाई ये। वैसे एक मशीन छोटी सी यहाँ पे भी लग सकती है, इधर कैसे खाली एरिया है ना। नया बंदा आया भाई, हाँ जी वीआईपी सब्सक्रिप्शन, मुझे पता था तू वीआईपी सब्सक्रिप्शन लेगा, मानना पड़ेगा भाई। चलो नेक्स्ट, मेरे को अभी ये चीज चेक करनी है, तो मुझे जाना है शॉप पे और अभी मुझे थोड़ी सी और नई मशीन ढूंढ के लानी पड़ेगी। देखो ये वाली मशीन पे काफी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो ये, अरे भाई क्या जबरदस्ती है क्या भाई तेरे को लेना, तो शॉप से बाहर आ गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि क्यों ना एक डंबल्स लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे पता नहीं, एक्सरसाइज एंड पूल में क्या है भाई, अच्छा वेंडिंग मशीन। चलो एक काम करता हूँ, डंबल ये नया वाला, थोड़ी नई मशीन है बेसिकली तो थोड़ी अच्छी दिख रही है। फंक्शनल ट्रेनर एक और ले लेते हैं भाई, ये इसकी डिमांड अच्छी है, फंक्शनल ट्रेनर ले लेते हैं और एक ये वाली ले लेते हैं। चलो भाई दो मैंने नई मशीन खरीदी है, एक ये वाली है बड़ी वाली फंक्शनल ट्रेनर, इसको मैं लगाने वाला हूँ, इसको भाई यहीं पे लगा देते हैं यार, सही रहेगा इधर, मतलब गैप है। एक बार जहां भी जगह मिल जाए मुझे वहां मशीन चेपनी है। अभी एक ही वाला मशीन है, इसको तो भाई सेम इसके साथ में ही लगा देते हैं। बंदों के आने जाने की जगह खत्म हो चुकी है, बट मशीनें मैं भर भर के लगा रहा हूँ। ओ भाई साहब जिम बड़ा सही दिख रहा है यार, पहले काफी खाली खाली सा होता, अभी देखो एक बार ना पहले थोड़ा बहुत अच्छे से चीजें खरीद वरीद के इधर उधर लगा दूं, बाद में ना एकदम बढ़िया तरीके से असेंबल करके जब चीजें तमीज में सेट करूंगा ना, तब बहुत अच्छे से दिखेगा, एक एक मशीन तमीज में दिखेगी कि हाँ भाई ये वाला एरिया डंबल का, ये वाला एरिया कौन सा, सब कुछ पता चलेगा। बाकी इसको स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन चाहिए, मुझे पता करना है कि मैं जिम से भी कितने अर्न कर पा रहा हूँ। हाँ जी आपको भी स्टैंडर्ड ये लो। तो अगर अभी देखा जाए, अगर मैं मेंबर लिस्ट में जाऊँ तो मेरी एस्टिमेटेड डेली अर्निंग दिखा रहा है 8,084 और अभी अपने पास टोटल मेंबर 55 हो चुके हैं, जो कि काफी गुड नंबर है और मैक्सिमम इसमें स्टैंडर्ड वीआईपी वाले ही हैं। अगर मैं लो वालों को हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ क्या? वो नहीं, मैं किसी को भी ऐसे किक नहीं कर सकता भाई। ठीक है खैर, यहाँ पे काफी देर से भाई बंदे खड़े हैं, इनको ये टोस्ट चाहिए, ये लो ये लो लो खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये लो टोस्ट खाओ, नए टोस्ट लगा देते हैं भाई हम लोग। वैसे सही बताऊँ तो ना मुझे जिम का बस अभी तक ये वाला एरिया थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, काफी अनसॉर्टेड सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी मशीन कहाँ पे रखी है। ये वाली साइड तो फिर भी काफी ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना मुझे शार या फिर ये वाले एरिया पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। एक ये बेंच प्रेस थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला मैंने अभी अभी खरीद लिया है और इसको भी चल के यहीं कहीं पे बगल में लगाते हैं। बिल्ड टूल में ये रहा बेंच प्रेस, मतलब जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के टूल होंगे ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा लोगों को। ये देखो, अरे अच्छा तू ये वाली एक्सरसाइज करने आएगा, अभी तेरे तो कपड़े फटे हुए हैं भाई, कपड़े फट गए इतनी बॉडी बना ली। हाँ तो मैं ये कह रहा था लोगों को उतना, मतलब अपने जो मैकेनिक्स है उन्हें उतना कम काम करना पड़ेगा। चलो भाई लाइन से अपना विटामिन बार भी चल रहा है और एक बार अंदर देख कर आते भाई हालत, मुझे यहाँ पर एक शार और लगाना चाहिए, अपने लोग आ रहे हैं। वैसे इस टाइम पे थोड़ा जिम खाली है, कभी कभी बहुत, अरे देखो कैसे भीड़ आ रही है इतनी सारी, तो एक एक शार एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, बढ़िया रहेगा। रुक जाओ भाई, अरे यार तू पहले आ जा, वीआईपी भाई, अब तो सारे लोग वीआईपी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं यार। तो लॉकर रूम में जाकर मुझे एक ये बेंच है यार, ये खरीद लेने चाहिए, दो कुछ ना कुछ तो काम आते होंगे। बाकी एक है ये शार कैबिन, दो ले लेते हैं, और चेंजिंग रूम भी दो ले लेते हैं, लॉकर भी दो ले लेते हैं। भाई बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान खरीद लिया मैंने अपने इस वाले एरिया के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अभी इसको रीडिजाइन करा जाए, जितने भी हैं सबको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है बिल्ड टूल में जाते हैं, लॉकर रूम को मुझे दोबारा से बनाना है। तो ये इसकी फ्रंट साइड है, ये हो गया यहाँ पर चेंजिंग रूम, इसके बगल में भी एक चेंजिंग रूम, फिर उसके बाद हम लोग बीच में एक शार लगाएंगे, शार आ गया बीच में, इधर एक और शार लगा देते हैं, दो दो शार चाहिए ना अपने को, तो ये दो शार हो गए। अब इसके बगल में भी चेंजिंग रूम देते हैं, चेंजिंग रूम इधर, एक चेंजिंग रूम इधर। तो भाई बहुत सही एरिया हो चुका है, मेंस वाला तो काफी परफेक्टली सॉर्टेड कर दिया मैंने। अब मुझे बिल्ड टूल में से जो मैं एक बेंच लाया था वो मुझे सामने लगा देना चाहिए, क्योंकि जैसे बंदे आएंगे तो अपना कपड़े अपने यहाँ पे उतर के चेंज कर लेंगे ना। और जो लॉकर है इसको मैं इसके सामने ही रख देता हूँ, बंदे को ज्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। देख रहे भाई मैं बंदे 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 कितनी केयर कर रहा हूँ भाई अपने यहाँ के लोगों की। एक लॉकर रखते हैं इधर, सेम इसे अटैच करके एक और इसके बगल में, फिर एक और इसके बगल में, तीनों को भाई एकदम आमने सामने रख दिया अपना। उतरो भाई कपड़े पड़े चेंज करके, सीधा यहाँ पे बैठ के सेटअप कर लो अपना, भाई क्या प्यारा दिखेगा यार। सेम ऐसी मैं और बड़ा बना दूं अपने पास, लेकिन अभी उतना पैसा नहीं है तो ज्यादा खर्चा नहीं करना, थोड़ा वुमेन्स वाला भी मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा अजीब सा बना हुआ है। तो मुझे यहाँ पे अपने पास बिल्ड टूल के लिए लॉकर रूम में भी एक शार है, एक बेंच है, तो मुझे दो और खरीदने हैं। बट ठीक है, ये लो भाई आपको जूस पीना है, ये लो जूस पियो। भाई जिम में तो बहुत गलत भीड़ आने लग गई यार अभी।
चलो स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन बिक गया, स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन एक और भी बिक गया, वीआईपी सब्सक्रिप्शन ये भी बिक गया। चलो अभी शॉप में चल के दो और खरीद, ये भी काफी सारे खरीद लेते हैं, एक शार खरीद लेते हैं, डन है। अब सेम टू सेम जैसी मेंस वाला करा है वैसी वुमेंस वाला भी डिजाइन कर देते हैं अंदर से। इसको पहले हटाना होगा, इसको भी हटाना होगा, इसमें भी कोई चेंज कर रहा है तो थोड़ा सा वेट करते हैं। इन लुक का सामने की तरफ में बनाते हैं भाई, काफी सही दिखेगा। तो सबसे पहले मुझे बेल्ट होल में जाना है, डेकोरेशन लुक कर रूम, ये रहा, एक आएगा इधर, दूसरा आएगा इधर, और इसके राइट लेफ्ट में आएंगे ये। अरे उल्टा लग गया, ये भी उल्टा लग गया, उल्टे कैसे लग रहे हैं मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। अरे शार है गए भाई, वुमेन्स वाले में मैंने तीन शार लगा दिया बट कोई सीन नहीं है इनका, थोड़ा सा मस्त करके सॉर्ट करके बनाते हैं। यहाँ पे सामने शार है, इसके सामने तीन वो बना, भाई मैं शायद गलत टाइम पे हूँ क्या भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ यार, ये बाद में जब जिम बंद होगा भाई तब कर लेंगे यार, मुझे नहीं पता। एक सीन मैं चेंजिंग रूम अपने पास लेके घूम रहा हूँ, इसको लगा कर आ जाता हूँ बस। भाई तीन तीन है यार मेरे पास, मैं गलत टाइम पे हूँ यार रूम। अबे तू ये क्या कर रहा था भाई, वो लड़का इधर से निकल के गया। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा इधर करके लगाने वाला हूँ, एक इधर सेंडो से, इसके बगल में एक इधर, एक इधर, तीन चेंजिंग रूम और सामने तीन शार, और उसके बीच में मैं बेंच और लॉकर लगाया था। ये थोड़ा सा इनका अलग टाइप से डिजाइन कर रहा हूँ मैं, इधर हो गया बेंच और इसके पीछे लगाते हैं तीन लॉकर। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए ऐसी सेट कर देते हैं, बाद में अच्छे से कस्टमाइज करके बना लेंगे जैसा हमें चाहिए। मतलब अच्छे से अभी मैं आर्किटेक्ट थोड़ी प्लान कर आया हूँ, अभी जैसा रैंडम मैं बनाना चाह रहा हूँ वैसा बन रहा है। एक और शार था ये भी हम लोग लगा देते हैं, आई मीन शार नहीं चेंजिंग रूम है। हाँ तो भी जैसा रैंडम प्लान है वैसा ही कर दे रहे हैं, बाद में देखते रहेंगे कैसा हमें बनाना है। फिलहाल यहाँ पे हो रुको भाई रुको, मिल रहा शेक, सबको मिलेगा भाई फ्री का। चलो अभी जिम काफी ठीक ठाक चल रहा है, दो नए लोग आ रखे हैं, इनको भी फटाफट से जिम में भाई इनका दाखिला कराते हैं। स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन लेंगे, ले लो भाई फटाफट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी आ जाओ। कौन सा सब्सक्रिप्शन? स्टैंडर्ड भाई, आज बहुत कुछ करा है भाई मैंने जिम में सचमुच में। मतलब एक बार तुम चल के देखो भाई, मैंने सच में मेंस वॉशरूम तो काफी प्यारा नीट एंड क्लीन सा बनाया है, क्या बढ़िया दिख रहा है। देखो ये बंदा आया अपना लॉकर से जो है सामान वान निकालना निकालेगा, शार बंदा अपना ले रहे कपड़े जाके चेंज कर रहे हैं, इधर भी सेम टू सेम। और बड़ा मैसे अभी तो कुछ ओ भाई ये वही है क्या बॉडी बिल्डर भाई, कपड़े चेंज करके दो गए, इसके कपड़े उठा के इसमें डाल दो भाई, ट्रैश कर दिए भाई, उसको जींस वापस नहीं मिलेगी। बट जो भी यार इसकी बॉडी सही में बहुत ज्यादा गलत फिजिक्स है इसकी, वेट भी तगड़ा ही मार रहा है, नहीं और मार सकते, कर 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 भाई कर लेगा। इसका पहला ही सेट है वार्म अप सेट है भाई, मारे गए वो इसका भाई, इसका डुप्लीकेट वर्जन ये देखो, एक इधर भाई, तगड़े बंदे आ रहे भाई जिम में, ये ऐसे थोड़ी तगड़े बन रहे, ये हम इसे टोस्ट खिला रहे हैं ना ये वाला, इसलिए इनकी बॉडी बन रही है, ऐसे नहीं बन जाती भाई, इसमें कुछ तो जादू है। ये यहाँ पे निकाल निकाल के लगा देते हैं, चलो दो अपना और बन जाएंगे। बाकी भाई बंद हो गया क्या जिम सब लोग? चले अच्छा छुट्टी का टाइम हो गया ना 8 बजे, अब ये कल आके करेंगे, फिलहाल के लिए तो मैं ही उठा के रख दे, इतना तो कर देते, कोई बात नहीं इतना चलता है। बाकी वो सब कुछ रिपेयर करके गया, सब कुछ ग्रीन है, ये नहीं करा पर ठीक है, ऑलमोस्ट आधा रिपेयर ही था, किसी ने एक्सरसाइज करी होगी, ये थोड़ा बहुत कोई कोई चीजें थोड़ी बहुत कम रिपेयर है, मैं कर देता हूँ, बाकी सब कुछ ग्रीन ही है, सारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं भाई। मुझे बस ना ये जानने की जो पुरानी मशीन है मैं इन्हें बेच कैसे सकता हूँ, मुझे हटाकर पूरा जिम में सिर्फ और सिर्फ नई मशीन रखनी है, फ्लोर चेंज करना है, काम तो बहुत सारा है। बट हाँ फिलहाल आज के लिए तो भाई बहुत सही तरीके से मैंने लॉकर रूम का काम अच्छे से करा, काफी अच्छा दिख रहा है लॉकर रूम, सेम टू सेम दूसरा वाला लॉकर। भाई ये वुमेन्स वाला लॉकर रूम तो मैंने अलग ही डिजाइन कर दिया अपना, कोई अंदर आ भी गया बाय चांस कोई लड़का तो उसे कुछ दिखने नहीं वाला भाई, बहुत ऐसे प्राइवेसी पे बहुत फोकस करा यार हमने। फ्रिज खुला रह गया था इसको भी बंद कर देते, और जिम भी खुला रह गया उसको भी बंद कर देते, सोने का टाइम हो चुका है। अरे वाह डॉग, ठीक है आज ध्यान रखेगा तू अंदर ही रह, चोरी वोरी नहीं होगी भाई सिवाने। बाकी हाँ यार मैं बहुत दिनों से शहर में हूँ, एक बार भी घूम के नहीं आया, घूम कर आते भाई शहर में क्या सीन है, बड़ा सही है सिटी तो, नजारे तो काफी बढ़िया बढ़िया, और सामने ओशन भी बहुत ही प्यारा है। बट ठीक है जो भी है, हम लोग इस गेम में ना मैंने एक चीज नोटिस करी, अपनी एड वैड भी लगवा सकते हैं इन सब जगहों पे, मतलब जहां जहां लिखा हुआ है ना प्लेस योर एड हेयर, वो शायद मैं उधर भी लगा सकता हूँ, मैं कंप्यूटर में आता होगा उसके थ्रू मैं एड लगा सकता हूँ पैसे देके, और फिर अब जिम में बहुत सारे तगड़े तगड़े कस्टमर आएंगे, आई मीन बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी में कस्टमर आएंगे। फिलहाल अभी अपना लेवल 6 हो चुका है, मुझे जल्दी से जल्दी लेवल 8 करना है ताकि मैं और भी काफी सारी नई एक्स्ट्रा चीजें एंजॉय कर पाऊं, और वैसे लेवल 7 होते हैं हम लोग बॉक्सिंग क्लब जा पाएंगे, पता नहीं वहां पर क्या होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ही जाएंगे बॉक्सिंग क्लब। फिलहाल आज की वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से आगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।